अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद के निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। बड़ी बात यह है कि 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग के समर्थन में वोट किया। ट्रंप दो बार महाभियोग का सामना करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। सारी नजरें सेनेट पर हैं। वहां मोहर लगी तो व्हाइट हाउस से आउट हो जाएंगे ट्रंप। Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity at the Capitol last week. डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा भी बेकार गया। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इसी के साथ इतिहास बनाने की राह पर चल पड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। महाअभियोग के लिए 218 मतों की जरूरत थी। देखिए ट्रंप के महाअभियोग पर हस्ताक्षर करने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पॉलेसी ने किन लफ्जों में हमला बोला। पॉलेसी ने ट्रंप को अपने देश के लिए खतरा तक बता दिया। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again, we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. प्रतिनिधि सभा में महाअभियोग पर मुहर लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दो बार महाअभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। खास बात यह है कि पिछली बार उन्हें अपनी पार्टी का पूरा साथ मिला था, लेकिन इस बार उन्हीं की पार्टी के 10 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ यानी महाअभियोग के पक्ष में मत दिया। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर दो बार महाभियोग चला हो। पिछले साल भी उन पर महाभियोग चला था यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने के सिलसिले में, लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट डाले, यानी उनसे किनारा कर लिया। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद के बाहर और भीतर जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंसा में 4 लोग मारे गए थे और ट्रंप पर हिंसा को उकसाने का आरोप लगा था। उसी आरोप को लेकर ट्रंप पर ये महाअभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि महाअभियोग पर वोटिंग से पहले ट्रंप ने 5 मिनट का वीडियो संदेश जारी कर एक बार फिर खुद को इस मामले से बरी करने की कोशिश की। Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. सवाल उठता है कि अब आगे क्या? प्रतिनिधि सभा से महाअभियोग प्रस्ताव पास होने का मतलब क्या है? क्या ट्रंप को अब व्हाइट हाउस छोड़ना होगा? क्या 20 जनवरी को जो बाइडेन की ताजपोशी से पहले ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेआबरू होकर रुखसत होना पड़ेगा? तो इसका जवाब सुन लीजिए। दरअसल ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेदखल करने का ये पहला बड़ा कदम है। अब महाअभियोग प्रस्ताव पर सीनेट में मतदान होगा। अगर सीनेट भी महाअभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है तो ट्रंप को तय समय से पहले ही राष्ट्रपति का पद छोड़ना होगा। सीनेट में महाअभियोग प्रस्ताव पारित कराने के लिए 2/3 मतों की जरूरत होगी। वहां रिपब्लिकन को मामूली अंतर से बहुमत है। अब ये मामला ऊपरी सदन यानी सेनेट में जाएगा, जहां की राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। इस गणित के हिसाब से डेमोक्रेट्स को 17 रिपब्लिकन वोट चाहिए और कहा यह जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कई रिपब्लिकन भी ट्रंप के खिलाफ हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए बचना मुश्किल है। हालांकि अभी तय नहीं है कि सीनेट पर महाअभियोग पर कब मतदान होगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप पर महाअभियोग चला है। इससे पहले शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में 2019 में भी महाअभियोग चलाया गया था। तब वो अपनी पार्टी के सहयोग से 52-48 के मामूली बहुमत से बच गए थे। महाअभियोग का आरोप लगने के बावजूद दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिरियाल के साथ आज तक ब्यूरो।
और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त जुड़ गई हैं। गीता, सबसे पहले तो संक्षेप में बताइए कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि अब लोअर हाउस में तो ट्रम्प का साथ उनके अपनों ने भी छोड़ दिया है, तो क्या गिनती के दिन बचे हैं ट्रम्प के? नेहा, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल के दिन हैं ये 7 दिन 20 जनवरी से पहले, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स चाहते हैं कहीं ना कहीं वो हो रहा है। 10 रिपब्लिकन्स का यहाँ पर डेमोक्रेट्स के साथ वोट करना बहुत ही बड़ा संदेश है। लेकिन जैसे हमने अभी अपने पैकेज में कहा कि क्या वही ट्रांसलेट हो पाएगा सेनेट में या नहीं, वो देखना होगा। 17 वोट्स की ज़रूरत है, अभी थोड़ा नामुमकिन लग रहा है, मुश्किल नहीं लेकिन नामुमकिन ज़रूर। क्यों नेहा? इसलिए क्योंकि इससे पहले जो भी हो रहा था वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल माना जाता था, पॉलिटिकल स्पेस में एक्सेप्टेबल माना जाता था, लेकिन जनवरी 6 के वायलेंस ने माहौल बदल दिया है। बहुत सारे रिपब्लिकन से जो नाराज और खफा हैं डोनाल्ड ट्रंप से, माइक पेंस ने भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ट्रंप से, 25th अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं किया लेकिन ट्रंप को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे रिपब्लिकन हैं जिन्होंने शायद इस बारी वोट नहीं दिया, और लेकिन सेनेट में जो सेनेटर्स होंगे उनमें कई सारे ऐसे हो सकते हैं जो अपना इरादा बदल दे रिपब्लिकन को सपोर्ट करने का और डेमोक्रेट्स के साथ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स में यस की तरफ वोट कर दे। अगर वो होता है तो डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली इम्पीच्ड होंगे और व्हाइट हाउस से बाहर निकाले जाएंगे कुछ ही दिन 20 जनवरी से पहले देखेंगे राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर। लेकिन ऐसा अभी लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है काफी मुश्किल है कि वो वोट्स रिपब्लिकन सारे डेमोक्रेट्स की तरफ जा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया गीता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में तीखी और भावुक बहस हुई। 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में हुए बवाल को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप की जमकर आलोचना की। Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice. एक तरफ डेमोक्रेट पार्टी के दबदबे वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप पर महाअभियोग की बहस चल रही थी और दूसरी तरफ ट्रंप वीडियो संदेश जारी कर 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा पर सफाई पेश कर रहे थे। अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास को शर्मसार करने वाली यही वो तस्वीर है जिसकी वजह से ट्रंप को महाअभियोग की जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उसकी वजह बना उनका ये भाषण। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप पर महाअभियोग को लेकर बेहद तीखी बहस हुई। कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ उसका सारा ठीकरा ट्रंप के सर फोड़ दिया गया। President Trump gravely endangered the security of the United States and its institutions of government. He threatened the integrity of the democratic system, interfered with the peaceful transition of power, and imperiled a co-equal branch of government. He thereby betrayed his trust as president. To the manifest injury of the people of the United States. Wherefore, Donald John Trump. ट्रंप के खिलाफ आरोपों की बरसात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप तीखे हो रहे हैं। बहस के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के मैट गेट्स ने हिंसक राजनीति के लिए डेमोक्रेट्स को भी आईना दिखाने की कोशिश की। I denounce political violence from all ends of the spectrum, but make no mistake. The left in America has incited far more political violence than the right. For months, our cities burned, police stations burned, our businesses were shattered, and they said nothing. That path is... बहरहाल, रिपब्लिकन पार्टी की इस दलील का वोटिंग पर कोई असर नहीं हुआ। ट्रंप के महाअभियोग पर मुहर लग गई। ट्रंप के विरोधियों ने इस पर खूब खुशी जाहिर की। I am very excited. I feel like a weight is lifted. I know that not much has changed like right in the moment, but it's something hopeful at least. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के महाअभियोग प्रस्ताव पर बहस कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। तस्वीरें देखिए, कैपिटल हिल बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा कितनी सख्त है।
स्पीकर नैन्सी पोलोसी ने वोटिंग से पहले नेशनल गार्ड के जवानों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा इंतजामों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अब सारी निगाहें सीनेट के साथ 20 जनवरी को जो बाइडेन की ताजपोशी पर टिक गई हैं। बचे हुए 6 दिन में ट्रंप का क्या होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिरियाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो ठंड और कोहरे के बीच किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। कल किसानों ने दिल्ली बॉर्डर और पंजाब के अलावा राजस्थान और यूपी में भी कुछ जगहों पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज किया। उधर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इन सब के बीच आज किसान नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें वो तय करेंगे कि शुक्रवार को सरकार के साथ बैठक में वो जाएंगे भी या नहीं। किसान आंदोलन को लेकर देश की राय बटी हुई है। कोई कानून का समर्थक है तो कोई विरोधी है। इसे लेकर दिलचस्प स्थिति अभिनेता धर्मेंद्र के परिवार में पैदा हुई है, क्योंकि धर्मेंद्र खुद भी पूर्व सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी हेमा मालिनी बीजेपी में सांसद हैं। धर्मेंद्र किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि हेमा कह रही है कि किसानों को बरगलाया गया है। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल कह रहे हैं कि ये मुद्दा बातचीत से ही हल होना चाहिए। तो अपने ही परिवार में 3 अलग अलग राय देखने को मिल रही है, क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को तैयार नहीं है, और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, इस बिल में क्या तकी प्रॉब्लम क्या है वो भी ये समझ नहीं रहे। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो कितना नुकसान भी कराया पूरा पंजाब में, वो भी देख कर बड़ा खराब लगा। पूरा टावर तोड़ दिया, ये कर दिया, एंड इट्स नॉट नाइस। क्योंकि जो भी हमारी सरकार हमेशा बोल रही है कि आप आइए, आपको क्या चाहिए बताओ, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों पर भरोसा जताया है कि वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। किसानों समेत कई मुद्दों पर राजनाथ सिंह ने आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में ये बात कही। आज क्यों पर जल्दी किया, कोविड में किया आपने एकदम सेशन बुला कर के, आप नॉर्मल सेशन नहीं किया आपने कोविड के आखिरी दिन। ऑपोजिशन का कहना है कि आपने जबरदस्ती उस दिन पास कर दिया वॉइस वोट से, क्लास बाय क्लास आप कह रहे हैं डिस्कशन उनके लिए तैयार हैं। 7 या 8 राउंड की मैं हमारे किसान भाइयों से बातचीत हो चुकी है। मैं कह रहा हूं जल्दी में कानून जल्दी बनाने की, आपने कहा कि इनकम बढ़ाने की जरूरत थी, ठीक बात है ना। यह सिलसिला 15-16-17 वर्षों से चला रहा था भाई, कभी ना कभी जो क्लिंच होना था ना। अच्छा, दूसरी चीज जो भी हो, चाहे इस एक्ट के बारे में किसी की कोई भी ओपिनियन हो, हमारी ओपिनियन तो वो साफ है, क्योंकि इन एक्ट्स को देखने के बाद मैं स्वयं किसान होने के नाते इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि इससे किसानों का लाभ होगा। लेकिन यदि हमारे किसी भी किसान भाई को यह लगता है कि इन तीनों कानूनों से हमको लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक शीश झुकाकर अनुरोध करना चाहता हूं, आप ये बताइए कि इस क्लाज में यह परिवर्तन कर दीजिए, यह क्लाज में यह संशोधन कर दीजिए, वह करने को सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब आप कहते हैं कि कमेटी में वही लोग हैं जिन लोगों ने कानून को समर्थन किया, मान लेता हूं, आप ही की बात मैं मान लूं, तो मैं इतना ही आपसे केवल हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस कमेटी को बनाया है, आप जाइए अपना पक्ष रखिए, और कमेटी जब अपनी रिपोर्ट दे, आपकी इच्छा के आपके मनोनुकूल वह न हो तो आप उसका विरोध करें। ना जी, आप तो कह रहे हैं आप बीजेपी के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस कहें जी अब बीजेपी के लोग मेंबर हैं, हम आमसे मनवा लेंगे बात, उन चारों लोगों का स्टेटमेंट है, आर्टिकल्स हैं पूरे लिखे हुए, हम कहां कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ठीक है बना दिया, हम कहां कह रहे हैं कि आप सुप्रीम में ये जो कमेटी बनी है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको आप स्वीकार ही कर लीजिए। आपको लगता है कि आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, गुस्सा तो नुकसान होगा। राजा जी एक बात मेरे को चिंता का हो रहा है, आप रक्षा मंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री के नेतृत्व में 26 जनवरी सब होता है, वहां पर वेलकम करते हैं ये जो आएंगे ट्रैक्टर लेकर के, 70,000-80,000 ट्रैक्टर कैपिटल में आएंगे, तो इसके बारे में आप क्या लगता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? नहीं, मैं समझता हूं कि इसका समाधान किसान भाई ही सोच विचार कर निकालेंगे। वो देश के गणतंत्र दिवस को किसी भी सूरत में विफल करने की कोशिश नहीं करेगा, हमारा किसान भाई, हमको विश्वास है। नहीं, आप उनसे अपील कर रहे हैं या उनको क्या? सचमुच मैं बताऊं, हमारी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी रचनात्मक सोच हमारे किसान भाइयों की है, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है।
शेष बातें तो भविष्य के गर्भ में छिपी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे गणतंत्र तो अभी भी आपने लिमिट किया, छोटा कर दिया पहले से ज्यादा। नहीं नहीं, वो तो कोविड के कारण, कोविड के कारण सामान्य है। पर ये इनका सारे सार्वजनिक गणतंत्र दिवस पर रैली निकालना, अपनी अपनी स्वतंत्र फार्मर दिवस जो भी कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि पहली बार हो रहा है वर्ष के अंदर कि गणतंत्र, जहां जो भी करना होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस गणतंत्र दिवस को विफल करने की कोशिश हमारा किसान भाई नहीं करेगा। ये हो सकता है कि अपनी ट्रैक्टर रैली निकालनी हो तो ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, तो भारत का तिरंगा झंडा लहराएंगे किसान भाई, मेरा विश्वास है। तो राजनाथ सिंह को आपने सुना, पूरी बातचीत देखिए शनिवार रात 8 बजे सीधी बात में। अब बात करेंगे ओवैसी की सियासत की, क्या ओवैसी बीजेपी के चुनावी साथी हैं? ये सवाल लगातार खड़े होते हैं, क्या बीजेपी के लिए वो वोट काटते हैं? विपक्ष ऐसे आरोप पहले भी लगाता रहा, लेकिन इस बार ये बहस चढ़ी है यूपी से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान से। चुनाव हो न हो, असदुद्दीन ओवैसी खबरों में जरूर रहते हैं। फिलहाल ना तो यूपी में चुनाव है और ना ही गुजरात में, लेकिन इन दोनों राज्यों में ओवैसी का जिक्र जरूर हो रहा है। AIMIM के चीफ ओवैसी चंद रोज पहले पूर्वी यूपी के दौरे पर थे, सियासी नेताओं से मुलाकात हुई, शायद टटोलने की कोशिश थी कि यूपी में चुनावी समीकरण में गणित इनके पक्ष में बैठेगा कि नहीं। हालांकि अभी ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने का खुला ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना को लेकर ही बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की बांछें खिल गई हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो सुनिए सांसद महोदय से ही जवाब। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज उन्नाव से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन कन्नौज में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। एक ऐसा बयान जो ओवैसी को पता नहीं कितना चुभेगा, लेकिन दूसरे विपक्षी दलों को अपनी भड़ास निकालने का भरपूर मौका मिल गया है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं, और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुलकर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया, जनता को साफ साफ दिखाई देने लगा कि ओवैसी जी किसके कहने पे इधर उधर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी का अच्छा खासा दखल है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी का भी दौरा कर सकते हैं। पश्चिम यूपी एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 20-40% है। अब बीजेपी के विपक्षी दलों को यही डर सता रहा है कि कहीं ओवैसी मुस्लिम वोटों में बंटवारा न कर दे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सिर्फ यूपी में विपक्षी दल ही नहीं बल्कि गुजरात में कांग्रेस भी परेशान है। वजह, ओवैसी की पार्टी का गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में लड़ने का फैसला। रही सही कसर साक्षी महाराज के बयान ने पूरी कर दी है। गुजरात के बड़े कांग्रेस नेता अर्जुन मोढ़वाड़िया का ट्वीट जरा गौर से पढ़िए और समझिए। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी जी की मिली जुली कुश्ती का सच बाहर आ गया। बीजेपी सांसद महाराज कह रहे हैं कि खुदा ओवैसी जी को ताकत दे, उन्होंने यूपी बिहार में बीजेपी का सहयोग किया था, अब बंगाल में भी करेंगे, हैदराबाद में दोस्ती निभाई और गुजरात में भी आ गए। विपक्षी दल शुरू से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का तमगा देते आए हैं। अब साक्षी महाराज के ताजा बयान से उन्हें एक बार और दोनों को घेरने का मौका मिल गया है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में वैक्सीन को पहुंचाने का काम जोरों पर है। 16 जनवरी को पीएम मोदी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वैक्सीन को लेकर सियासत तेज है। कहीं कोवैक्सीन पर राजनीति हो रही है तो कहीं वैक्सीन की कीमत को लेकर। दवा आ गई है, लिहाजा महामारी की विदाई अब तय है। 2 कंपनियों के वैक्सीन को देश भर के शहरों में पहुंचाया जा रहा है। बस 2 दिन का इंतजार और फिर टीकाकरण के हथियार के वार से उस वायरस को चीन लौटना पड़ सकता है जिसने वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इस बीच वैक्सीन को भी सियासी सवाल झेलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, सरकार में कोवैक्सीन के सारे पैरोकारों को सबसे पहले इस वैक्सीन से खुद को सुरक्षित करके उदाहरण पेश करना चाहिए।
दरअसल भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अब जब इस वैक्सीन को पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है तो कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। मनीष तिवारी ने लिखा, जब तक कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं होता तब तक सरकार को इसे देश भर में नहीं पहुंचाना चाहिए था। सरकार को लोगों का विश्वास बढ़ाने वाला काम करना चाहिए। फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन का रोल आउट ठीक नहीं है। भारत के लोग बलि का बकरा नहीं है। कांग्रेसियों को क्या हो गया, ये साइंटिस्ट के भी से ज्यादा इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये कहां से ज्ञान लेकर आए, इतना ज्ञान कांग्रेसी बांट क्यों रहे? क्या देश के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे ज्यादा दिमाग कांग्रेसियों के पास हो गया है? ये वैक्सीन पर इतना सवाल उठा रहे, ये हर चीज देश पर, देश को गर्व होगा उसको, कांग्रेस उस पर सवाल जरूर उठाती है। कोवैक्सीन पर सवाल और कांग्रेस के हमले के बीच आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन को सियासी शीशी में कैद कर लिया है। दिल्ली के सीएम ने ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार फ्री में टीका नहीं लगवाती तो दिल्ली सरकार फ्री में टीका लगवाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाए, तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और केंद्र सर तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। उधर बंगाल पहुंच रही कोरोना की वैक्सीन सियासत जमात में फंस गई। वर्धमान में कृषि कानूनों के खिलाफ सूबे के मंत्री और जमीयत उलेमा के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने रैली बुलाई थी। रैली में आए मंत्री के समर्थकों ने हाईवे पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वैक्सीन लदे ट्रक का रूट बदलना पड़ा। हालांकि मंत्री को जब पता चला कि वैक्सीन का ट्रक फंसा है तो उन्होंने खुद समर्थकों को हटाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और वैक्सीन वाले ट्रक को बांकुरा जाने के लिए करीब 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अब बीजेपी कह रही है कि मंत्री ने जानबूझकर वैक्सीन के ट्रक का रास्ता रोका। इतने बड़े महामारी जहां लाखों लोग की मृत्यु हुई, पूरे विश्वव्यापी महामारी, उसमें अब जाके टीका आया है, और जिस गति से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टीका हर राज्य में मुहैया करवाया, जो कि कलकत्ता तक पहुंच गया और रातों रात जिला जिला में जाने का सब हो गया, बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार के एक मंत्री ने उस वैक्सीन के गाड़ी को रोका और क्या देखा गया, वो वहाँ लाठी भांज रहे थे। मंत्री हैं या क्या हैं? पहले कोरोना को लेकर खूब सियासत हुई और अब वैक्सीन पर राजनीति हो रही है। उम्मीद थी कि महामारी से सबको कुछ न कुछ सबक मिलेगा, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, लेकिन लगता है कि हिंदुस्तानी सियासत के आगे कोरोना जैसे वायरस की सबक देने वाली क्षमता क्षीण हो गई। वर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में कल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट से आई वैक्सीन को बीएमसी के परेल के एफ साउथ वार्ड ऑफिस में रखा गया है। यहां से वैक्सीन सेंटर्स में भेजी जाएगी। मुंबई में बुधवार को सुबह करीब 5:30 बजे कोविशील्ड वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट पहुंचा। बीएमसी को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की कुल 1,39,500 डोज मिली है। बीएमसी ने 1,30,000 हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में टीकाकरण के लिए रजिस्टर किया है। बीएमसी को 9,500 अतिरिक्त वायल मिली है। वैक्सीन को परेल स्थित एफ साउथ वार्ड ऑफिस में रखा जा रहा है, जहाँ 3 ILR रेफ्रिजरेटर है। मुंबई महानगर पालिका को तकरीबन 1,40,000 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने 1,30,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया है। उनका ये टारगेट है कि 8 दिनों के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दी जानी है। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन इस परेल में आला रेफ्रिजरेटर्स में, जहां पर स्टोर की गई है, उस इलाके से 8 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं, जहां पर 72 बूथ्स हैं, उन पर 16 जनवरी को ये वायल्स ले जाए जाएंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान बीएमसी की यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुंबई में वैक्सीनेट किया जा सके। कोरोना की वैक्सीन को 16 जनवरी को परेल से 8 वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचाया जाएगा। बीएमसी ने मुंबई में वैक्सीन लगाने के लिए 72 बूथ तैयार किए हैं, यानी एक समय में 72 लोगों को 8 जगहों पर वैक्सीन लगाई जा सकेगी। महाराष्ट्र को सीरम इंस्टीट्यूट की बनी 9,63,000 कोविशील्ड वैक्सीन डोज दी गई है। महाराष्ट्र को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी 20,000 डोज दी गई है। महाराष्ट्र ने
पहले फेज के टीकाकरण के लिए करीब 8 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुल मिला के 9,63,000 डोज हमारे को उपलब्ध हुए सीरम इंस्टीट्यूट के, 20,000 उपलब्ध हुए भारत बायोटेक के, लेकिन हमें जो डोसेज चाहिए वो 17,50,000 चाहिए, जिसमें बफर स्टॉक 10% डैमेजेस का भी है। एक्चुअली हमने जो अपलोड किया है वो 8 लाख अप्रोक्सीमेटली नाम अपलोड किए हैं जो हेल्थ वर्कर्स है, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के। हर एक को दो डोज अगर देना है तो 8 + 16 लाख डोज लगेंगे और 10% बफर स्टॉक जो वेस्टेज के लिए लगने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि इसके बाद जल्द ही हमारे को नया डोज का जो स्टॉक है वो मिलेगा, ऐसी आशा हम जरूर रखेंगे। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 2,936 नए मामले सामने आए। कोरोना के मामले महाराष्ट्र में 20.25 लाख के पार जा चुके हैं, जबकि 50,151 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली इस वक्त ठंड की मार से जूझ रहा है। एक बार फिर से कोहरे ने दस्तक दे दी है। सुबह से कई इलाकों में जबरदस्त और घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी लो है, जिसकी वजह से गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सफदरजंग इलाके में 4.4 डिग्री। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन इसी तरह से मौसम बना रहेगा, यानी कि घना कोहरा छाया रहेगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त अक्षरधाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सुबह से ही घना कोहरा, इस वक्त आप क्या ताजा तस्वीर देख पा रहे हैं? मौसम वैसे ही बना हुआ है या फिर धूप खिलाई है? देखिए, मौसम अब जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है तो जो कोहरा है एक तो वो कम होता चला गया। हम आपको अक्षरधाम के पास खड़े हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोहरा सुबह के वक्त था जब विजिबिलिटी बेहद कम थी। खास तौर पे सुबह के वक्त विजिबिलिटी नेहा बेहद कम थी, खासकर जो ओपन इलाके थे, जो खुले इलाके थे, वहां पर विजिबिलिटी और ज्यादा कम थी। इसकी वजह से जो हाईवे है वहां पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थम गई थी, साथ ही साथ ट्रेन काफी लेट से चल रही थी। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो रात में जो टेम्परेचर था वो 5 से 7 डिग्री के आसपास, जो औसत टेम्परेचर था वो 5 से 7 डिग्री पहुंच गया था और कुछ जगहों पे 4 डिग्री के आसपास भी दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो कंडीशन है वो अगले 3 से 4 दिन तक बनी रह सकती है, लेकिन दिन के वक्त में मौसम खुला रहने का अनुमान है और टेम्परेचर 18 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग का ये कहना है कि रविवार के बाद से थोड़ा दिल्ली और आसपास के इलाके के लोगों को राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच श्रीनगर से ठंड से जुड़ी हुई खबर आपको दिखा देते हैं। आज श्रीनगर में पारा गोता लगाकर -8.4 डिग्री तक पहुंच गया। पहली बार इस तरीके से पारा इस समय में इतना नीचे गया है। पिछली कई दिनों से श्रीनगर कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। ठंड से श्रीनगर की डल झील जम गई है। कल यहां -7.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।